फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्किन वॉकर एक रूप बदलने वाला शैतान है जो नवाहो रिजर्वेशन के आसपास बहुत पाए जाते हैं। ये शेप शिफ्टर होते हैं, मीन्स ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स की वॉइस को भी निकालते हैं। आज की स्टोरीज उन्हीं लोगों के बारे में है जिन्होंने स्किन वॉकर को देखा है, उनका सामना किया है। ये सारी स्टोरीज मैं रेडिट से ली हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं स्किन वॉकर पे डिटेल्स में वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टोरीज को सुनते हैं, ठीक है। ये 2013 की बात है, मैं उस वक्त 16 ईयर्स की थी। एक शाम को मैं एक ग्रॉसरी स्टोर जा रही थी जो इस रिजर्वेशन में था। वो मेरे घर से 1 माइल की डिस्टेंस पे था। मैं उस स्टोर से ग्रॉसरी का सामान लेती हूँ और घर रिटर्न आने लगती हूँ। काफी ज्यादा अंधेरा था, उस पे से स्ट्रीट लाइट गैप थी जो कि कॉमन बात है। मैं जब स्ट्रीट पे चल रही थी तो मैं नोटिस की कि कोई चीज मेरी तरफ आ रही है। वो चीज मुझसे 100 फीट की डिस्टेंस पे था। पहले मुझे लगा कि शायद वो कोई डॉग है, बट वो जब मेरे क्लोज आने लगा तब मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है। वो कोई बहुत टॉल आदमी है जो काफी ज्यादा थिन और स्किनी है। वो अपने दोनों पैरों से चलकर आ रहा था, लेकिन वो डॉग जैसा भी लग रहा था। इस पॉइंट पे मैं दौड़ना बेटर समझी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर था जिसके हाथ लंबे और बंदर जैसे थे। मैं उसे देखकर दौड़ने लगती हूँ। सडनली वो मेरे सामने आ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल स्नेक जैसी थी जिसमें कोई आईलिड नहीं था। मैं चीख कर बहुत स्पीड से भागना शुरू की तो वो क्रिएचर भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं बहुत स्पीड से दौड़कर घर में भागी। घर में अपनी मॉम और भाई को इस भयानक क्रिएचर के बारे में बताई, बट किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड थी इस घटना को लेकर। मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी इस घटना को सबसे शेयर करने लगी, बट मेरी स्टोरी पे किसी ने बिलीव नहीं किया। 2 साल पहले मैं अपने बॉस से इस घटना को शेयर की, तब उन्होंने बताया कि वो शैतान स्किन वॉकर था जो अपने शेप को चेंज करता है। वो इस रिजर्वेशन के चारों तरफ रहता है। वो लोगों में डर को पैदा करता है। उसे रात में किसी भी विक्टिम्स के घर जाकर उन्हें डराना मारना बहुत पसंद है। उसके बाद मैं उनसे बहुत सारे पैरानॉर्मल टॉपिक्स पे बात करने लगी। अपनी आंखों से देखने के बाद अब मुझे पूरी यकीन हो गया था कि वो स्किन वॉकर था और स्किन वॉकर एग्जिस्ट भी करते हैं। एक वीक पहले तक मुझे कभी भी स्किन वॉकर पे बिलीव नहीं था। लास्ट वीक मैं और मेरी मॉम एरिजोना के स्ट्रॉबेरी में फ्राइडे से संडे तक का कैंपिंग का प्लान करते हैं। हम दोनों वहां शाम के 6 बजे तक पहुंच जाते हैं। अंधेरा काफी था, इसलिए मॉम फायर पिट बनाती है और हम लोग अपना अलग अलग टेंट सेट करने लगते हैं। उसके बाद डिनर करके सो जाते हैं। रात 10 बजे मेरी आंखें खुलती है। मैं बाहर जाता हूँ टॉयलेट करने, फिर टेंट की तरफ रिटर्न आने लगता हूँ तो मुझे उस टाइम स्क्रैच की आवाज आती है। मैं फ्लैशलाइट से इधर उधर देखने लगता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं है। मैं दौड़कर अपने टेंट में आ जाता हूँ। टेंट में आने के बाद वो स्क्रैच की आवाज अब बहुत क्लोज से आने लगती है। मैं सो जाता हूँ। फिर 15 मिनट के बाद एक भयानक चीख से मैं जाग जाता हूँ। ये चीख की आवाज करीब 20 फीट के डिस्टेंस से आ रही थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं बाहर जाकर के देखूं। मैं टेंट के अंदर से ही फ्लैश लाइट दिखाने लगता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वो जो भी था उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर टेंट के पास आने लगता है। टेंट के बाहर मुझे एक काफी लंबी हाइट की परछाई दिखती है। उसके हाथ भी काफी लंबे थे। उसका फिगर किसी ह्यूमन का लग रहा था। फिर जब उसके फिंगर्स को देखता हूँ तो उसके जगह किसी एनिमल के पंजे दिख रहे थे।
उसके पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि बकरी के पैरों जैसे थे। वो मेरे टेंट पे स्क्रैच करने लगता है और उसमें होल करता है। मैं डर से एकदम फ्रीज हो जाता हूँ। वो एक होल से टेंट के अंदर हाथ डालकर मेरे एक पैर पे स्क्रैच करने लगता है। वो टेंट में अंदर घुसने की कोशिश करता है। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मैं उसे एक किक मारता हूँ, उसके बाद वो स्क्रैच नहीं करता है, बट वो क्रिएचर श्रिंक होने लगता है। वो एक वुल्फ में चेंज हो जाता है और अपने पीछे के दोनों पैरों पे, याद रखिएगा, अपने पीछे के दोनों पैरों पे खड़ा होकर भागने लगता है। इस चीज को मैं अपनी आंखों से सामने देखता हूँ। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। मैं फर्स्ट एड किट निकाल करके अपने पैर का फर्स्ट एड करता हूँ। जख्म गहरा तो नहीं था बट ब्लड काफी आ रहा था। तभी दूसरे टेंट से मॉम की चीखने की आवाज आती है। मैं इमीडिएट मॉम के पास जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मॉम का टेंट कई जगह से कटा फटा था और वो डर से एक जगह बैठी थी। मैं उन्हें रिलैक्स करता हूँ और 15 मिनट के अंदर हम लोग सारी चीजों को कार में डाल देते हैं। अभी रात के 3 बज रहे थे। मॉर्निंग 5 बजे हम लोग घर पहुंच जाते हैं। मैं मॉम से पूछता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था। मॉम बताती हैं कि डैड की आवाज में कोई टेंट के बाहर उन्हें बुला रहा था। वो बाहर जाती हैं देखने के लिए तो एक भयानक क्रिएचर खड़ा था जो उन्हें मारने के लिए दौड़कर उनके पास आ रहा था। मॉम जल्दी से टेंट में आ जाती हैं और वो टेंट को फाड़ने लगता है। वो जब चीखना शुरू करती हैं तब वो गायब हो जाता है। मॉम ने बताया कि वो शैतान स्किन वॉकर था। उस दिन के बाद से मैं कुछ महीनों के लिए कैंपिंग और हाइकिंग के लिए कहीं भी नहीं गया। मुझे अपने कंट्री में अपने घर के आसपास का एरिया को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जंगल को, क्योंकि वो मेरा फेवरेट जगह है। एक दिन मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों जंगल के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमें अचानक जंगल के अंदर से बच्चों के खेलने की आवाज आने लगती है। हम दोनों उस आवाज की तरफ गए तो देखा कि एक बहुत छोटा सा ग्राउंड है। उसमें कुछ झूले और स्लाइड लगे हुए हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन चीजों को देखकर लग रहा था कि किसी ने वहां झूले और स्लाइड को बस रख दिया है। यहाँ इससे पहले हम लोग कभी भी झूले और स्लाइड्स को नहीं देखे थे। वहां जो बच्चे खेल रहे थे वो लॉन्ग स्कर्ट्स पहने हुए थे और अजीब से वियर्ड कपड़े पहने थे, जो कपड़े आज के टाइम के नहीं थे। उन बच्चों के साथ कोई एडल्ट नहीं था। हम दोनों बहुत हैरान रहते हैं कि ये बच्चे किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। हम दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं और मैं अपने कंप्यूटर पर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने रैंडम आर्टिकल्स आता है स्किन वॉकर के बारे में। स्किन वॉकर एक विच है, एक शैतान है जो नवाहो कल्चर में शेप शिफ्ट करने में एक्सपर्ट होता है। अब आप सोचते होंगे कि इस आर्टिकल का उन बच्चों से क्या कनेक्शन है। वेल, इस आर्टिकल में लिखा है कि स्किन वॉकर बच्चों का भी रूप लेते हैं। इसे पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में उन बच्चों के बारे में यही ख्याल आ रहा था कि वो सब स्किन वॉकर हैं। मैं अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करता हूँ बट कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा था। दोस्तों से बोलता हूँ तो उन लोगों को लगता है कि मैं स्टोरीज बना रहा हूँ। सभी को सोचना चाहिए कि मैं स्टोरीज क्यों बनाऊंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा। मुझे सब क्रेजी बोलने लगते हैं। 2 दिन के बाद मैं उस छोटे से ग्राउंड पे जाने का डिसाइड करता हूँ ताकि मुझे ऐसा कोई प्रूफ मिल जाए जिसे मैं प्रूफ कर सकूँ कि वो बच्चे स्किन वॉकर या शेप शिफ्टर हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत वियर्ड हरकतें कर रहा हूँ। मैं जंगल में खेल रहे बच्चों पर क्यों डाउट कर रहा हूँ? यकीन मानिए, अगर आप भी उन बच्चों को देखते, उनके ड्रेस को देखते, तो आपके मन में भी डाउट आता। बट आई एम श्योर कि वो सब स्किन वॉकर हैं। मैं अपना ब्लैंकेट और कैमरा लेकर वहाँ जंगल के अंदर उस छोटे से ग्राउंड पे चला जाता हूँ। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा रहता हूँ, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता हूँ।
मेरा प्लान था कि बच्चे जैसे अपने आप को चेंज करेंगे एनिमल में, वैसे ही उनकी पिक्स क्लिक कर लूंगा। फिर अचानक से बच्चों के खेलने की आवाज़ आने लगती है। वही सेम लॉन्ग स्कर्ट, अजीब से कपड़े पहने हुए थे। मैं पिक्स लेता हूँ लेकिन वो सब किसी भी तरह का शेप चेंज नहीं करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि मैं सबको कैसे प्रूव करूँगा कि ये सब स्किन वॉकर हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के साथ कुछ तो गलत है, लेकिन क्या है वो मुझे दिखता नहीं है। मैं घर आ जाता हूँ, अपने बेडरूम में उन पिक्चर्स को देख रहा था, तभी रूम का विंडो जो रहता है वो अपने आप खुलता है और एक स्ट्रेंज आदमी मुझे देख रहा था जो ब्लैक हुडी पहना था और ब्लैक कलर का मास्क लगाया था। मैं उसे देखकर चिल्लाने लगता हूँ और वो कुछ सेकंड में गायब हो जाता है। मैं पेरेंट्स को बताता हूँ लेकिन वो यकीन नहीं करते हैं और सोने को बोलते हैं। मुझे उन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनका लड़का एक डेंजर सिचुएशन में है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। मैं खुद बाहर जाकर देखने का डिसाइड करता हूँ। बाहर जाकर देखता हूँ तो वो शख्स वहाँ नहीं था, लेकिन अंधेरे में मुझे एक फिगर दिखता है जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ और घर के अंदर भाग जाता हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये सब स्किन वॉकर है। इन लोगों को अच्छे से मालूम हो गया है कि मैं उन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए उनमें से किसी एक ने उस ब्लैक मास्क वाले शख्स का शेप लिया था। कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता है, बट एक दिन मैं रात के वक्त घर के बाहर कचरा फेंकने जाता हूँ, तभी उन ग्राउंड वाले बच्चों में से तीन बच्चों को देखता हूँ जो मुझे देख रहे थे। वही लॉन्ग स्कर्ट्स और वियर्ड कपड़े पहने हुए थे। मैं डर कर जल्दी से एक पेड़ के पीछे से छिप कर उन्हें देखने लगता हूँ। मेरे मन में वही सवाल आता है कि आज के टाइम में ऐसे वियर्ड कपड़े कौन पहनता है। वो बच्चे अब बिल्कुल व्हाइट कलर के दिख रहे थे और रोबोट की तरह चल रहे थे। उनकी आंखें भी व्हाइट थी। पलक झपकते ही वो तीनों मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता हूँ और डर जाता हूँ। वो तीनों कोई अजीब सी एनिशियंट लैंग्वेज में कुछ डेमोनिक चीज़ें बोलते हैं। मैं घर की तरफ भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। मैं गिरकर वहीं बेहोश होने लगता हूँ। मेरी आंखें खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे पाता हूँ। पेरेंट्स ने बताया कि तुम जब रिटर्न नहीं आए तो उन्होंने 911 को कॉल किया और उनकी हेल्प से तुम हमें जंगल में बेहोश मिले। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बेहोश हो रहा था तब ये बच्चे मेरे बॉडी पे खड़े होकर कुछ वियर्ड लैंग्वेज में बोल रहे थे। बस कुछ वर्ड्स इंग्लिश में थे, जैसे कि सेक्रीफाइस और रिचुअल। ये स्किन वॉकर के बच्चों ने मुझे मार्क कर लिया है मेरी बलि देने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे हेल्प मांगूं। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ और टूट गया हूँ। बाहर भी जाना छोड़ दिया हूँ। मेरे पेरेंट्स फ्रेंड्स को मेरे पे ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है। किसी को मेरी बातों पे यकीन नहीं है। मैं पूरी तरह से पागल हो रहा हूँ। मुझे बस इतना मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ और उन लोगों ने मुझे चूज कर लिया है बलि देने के लिए। ये कहानी मेरे डैड और बाकी के फैमिली मेंबर्स ने मुझे सुनाई थी। मुझे पूरा बिलीव है कि स्किन वॉकर एक रूप में या बहुत सारे रूप में इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। स्किन वॉकर जो शैतान है वो एनिमल्स या ह्यूमन किसी का भी रूप ले लेता है। ऐसा माना जाता है कि वो शेप चेंज करता है, स्पेशली वुल्फ या कायोटी का रूप लेता है। स्किन वॉकर के पास जो पावर होता है वो किसी भी नॉर्मल एनिमल या ह्यूमन के पास नहीं होता है, खास करके स्पीड से दौड़ना जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकते हैं। ये अपने विक्टिम्स को ऐसे बीमारी दे देते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। स्किन वॉकर बनने के लिए बहुत तरह के रिचुअल से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले जिसने आपको स्किन वॉकर बनने का मैजिक सिखाया है उसे मारना पड़ता है। फिर आप दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं उसे मारना पड़ता है। इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है,
बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को भी मार सकते हैं। मेरे ग्रैंडपा जो थे वो एक नवाहो विश थे जो बाद में स्किन वॉकर बन गए। मेरे डैड और अंकल बताते हैं कि ग्रैंडपा बहुत अब्यूजिव, विकेट और क्रूयल इंसान थे। वो ग्रैंडमा को बहुत मारते थे और सभी को बहुत परेशान करते थे। दूसरों को तकलीफ देकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यही रीजन है कि शायद वो डार्क मैजिक से अट्रैक्ट हुए थे। बहुत दिनों तक वो गायब रहते थे। कितनी बार वो जानवरों के खून में नहाए हुए घर आते थे। वो छिपकर स्किन वॉकर बनने का मैजिक सीखते थे और सब तरह के रिचुअल्स करने में लगे रहते थे। एक दिन वो घर से कुछ दूर एक किसान था, उसने बहुत सारे मवेशियों को पाल रखा था। ग्रैंडपा हमेशा उसके खेत में जाते और उसके मवेशियों को मारकर खाते थे। हालांकि अभी तक वो पूरी तरह से स्किन वॉकर नहीं बने थे। एक दिन उस किसान ने देख लिया और मेरे ग्रैंडपा पे गोलियां चला दी और ग्रैंडपा की वहीं डेथ हो गई थी। जब वो किसान सभी लोगों को और मेरे फैमिली मेंबर्स को भी उस जगह लेकर गया जहां ग्रैंडपा मरे हुए थे, बट वहां पहुंचने पर वहां ग्रैंडपा की कोई बॉडी नहीं थी। उनकी बॉडी को बहुत खोजने की कोशिश की गई लेकिन वो मिला नहीं। उस दिन के बाद से ग्रैंडपा कभी भी नहीं दिखे। मेरी ग्रैंडमा उस वक्त बहुत रोने लगी थी और वो बोलने लगी कि अब वो स्किन वॉकर बन गए हैं। डैड आगे बताते हैं कि इस घटना के बाद रात में हमेशा ग्रैंडमा को ग्रैंडपा की आवाज सुनाई देती थी, जो उन्हें अपने पास बुलाते थे, अपने साथ चलने को बोलते थे। इस तरह एक दिन ग्रैंडमा उनकी आवाज को फॉलो करते करते जंगल में चली गई और गायब हो गई। उन्हें बहुत खोजने की कोशिश की गई लेकिन ग्रैंडमा कभी मिली नहीं। सभी का मानना है कि ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा को सेक्रीफाइस कर दिया होगा, उनकी बलि दे दी होगी उस लास्ट रिचुअल को पूरा करने के लिए। मेरे ग्रैंडपा अब स्किन वॉकर बन गए थे और मेरी ग्रैंडमा को उन्होंने मार दिया। दोस्तों, तो ये थी स्किन वॉकर की रियल हॉरर स्टोरीज। आज की वीडियो और स्टोरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपनी स्टोरीज को भेज सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।